व्हाट इज द एटेन्यूएशन? देखिए अब क्या होता है, मान के चलो कि एक एनर्जी सोर्स है और इससे एनर्जी जो है वो निकल रही है और कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एनर्जी का रेट है वो कम होता जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी का जो रेट है वो कम होता जाएगा। द एनी प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ बीम ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे एनर्जी सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो रेट ऑफ एनर्जी का फ्लो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसी को ही हम बोलते हैं एटेन्यूएशन।